एक का चार मैडम बोलो, एक का चार मैडम 30% ऑफ मैडम, मैडम मैडम 200। हे पीपल, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज गाइस हम लोग दो जगह जाने वाले हैं। पहली एक छोटी मोटी शॉपिंग करने एंड उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक दैट इज सिमचा, जो हमारे घर के बिल्कुल पास में। हम लोग जा रहे हैं तो आपके बिना तो मैं जा नहीं सकता, तो चलो साथ में चलेंगे। सो गाइस, वेयरिंग दिस कौन सा ब्राउन कलर का जैकेट, लाइट ब्लू जीन्स एंड शर्ट, टी शर्ट। अब गाइस मुझे आप लोगों से जानना है, आपका ये रिव्यू लेना है कि ये टी शर्ट के ऊपर जैकेट अच्छा लग रहा है नहीं, क्योंकि अभी मेरी और अमृता की थोड़ी सी इस पर बातचीत हुई है। शी सेड कि ये जैकेट का कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या आपको भी ये लगता है कि जैकेट का कलर मुझ पर अच्छा लग रहा है? क्योंकि पर्सनली मुझे तो ये ठीक लग रहा है। दैट्स लाइक माय गुड गर्ल, मास्क पहनना जरूरी है बेटा। मुझे तो मास्क पहनना पसंद है, आपने मेरा हड़प लिया है। हड़प क्या लिया है, ये मास्क छोड़ दिया वो काफी है। सो गाइस रीच्ड जूडियो, मैक्स भी है यहाँ पर, कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करेंगे इस लड़की के लिए। और फिर लड़के के लिए भी लेंगे हम कुछ, इस लड़के के पास जैकेट अच्छा नहीं है। मस्त जोक मारा लग रहा है मैडम, आपका तो कलर ही इतना अच्छा है, आप पे हर ड्रेस खिल रही है। एवरी शॉपकीपर टू मी, बहुत सही लग रही है। ये ट्राई कर इसके ऊपर। नहीं, ये दो चीजें हैं, जैकेट तो नॉर्मली ट्राई कर सकते हैं। कोरोना आने की वजह से गाइस मेरा फॉरेन ट्रिप कैंसिल हो गया, तो मैं सस्ता फॉरेन ट्रिप कर रहा हूँ इसको पढ़ के। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कोई दूसरी कंट्री की लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। सो गाइस फाइनली रीच्ड सिमचा। अभी एडवेंचर के लिए जाना है तो गार्ड ने बोला हमें उस गेट से अंदर जाना पड़ेगा। नाला गाइस ये एकड़ों में फैला हुआ नाला है, जिसमें अभी अमृता को कुछ ऑर्गेनिज्म दिखने लगे। उससे पहले हम लोग जल्दी से भाग चलते हैं यहाँ से। चलो इंटर डेथ और परमानेंटली पैरालिसिस, डरा रहा है साला। ये गेट पे भगाने की कोशिश कर रहा है, ये चाहता ही नहीं कि तुम अंदर आओ। तो गाइस ये एक अंडरटेकिंग खतरनाक अंडरटेकिंग फॉर्म जो है, ऐसा हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में फिल होता है। हाँ, यार एक एडवेंचर पार्क में घुसने के पहले डराने के पहले डरा दिया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा था। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस है, तो हम लोगों ने फाइनल डिसाइड किया कि हमें 1100 वाला पैकेज लेंगे, सुपर सेवर पैक। सुपर सेवर इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 70% सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी विद मील। तो मुझे तो फट रही थी, मैं छोटा वाला लेना चाह रहा था, बट अमृता ने सजेस्ट किया कि अपन बड़ा वाला ले लेते हैं, जो भी एक्टिविटीज होगी करके देखेंगे। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। ना घुसते ही वहां जाने की इच्छा हो गई चाट चटोरे, तो अमृता ने बोला पहले उछल कूद कर लो वरना पूरा खाना बाहर आ जाएगा और आस पड़ोस वालों का फेस वॉश करवा दोगे। अमरू, यू वॉन्ट टू प्ले सांप सीढ़ी? ले खा ले खा ले। ये ट्रैम्पोलिन पार्क है और यहाँ पर हम लोग पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं, वी हैव नो आइडियाज। दिस इज जंप एचक्यू। अंदर अंदर तक दहशत फीलिंग आ रही है जय को। समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं फीलिंग लाइक अब्बा चप्पा डब्बा। रुको निकाल ड्रैगन को, मैं अंदर घुस गया। कम ऑन अमृता, जय महेश पते, जय महेश पते। ट्रैम्पोलिन में एक्चुअली बहुत सारे एडवेंचर्स गेम्स थे, कूदना फानना, मतलब वो बच्चों जैसा काम था, बट मज़ा आया करके। हालत पसीने पसीने को इससे फील होता है कि भाई रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट ठीक है मज़ा आया। और तो ये पार्क के अंदर ऐसी फीलिंग आई है जैसे कि खतरा 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 आता है। एक खतरों के खिलाड़ी नहीं, खतरों के खिलाड़ी नहीं, खतरा खतरा खतरा
वहाँ पर जो भारती वाला प्रोग्राम है वहाँ पर जो मतलब स्मॉल स्मॉल गेम्स होते हैं वैसी फीलिंग थी ओवरऑल इस बहुत मजा आया और बहुत रियलाइजेशन हुआ कि बॉडी बहुत स्टिफ हो गई है एनर्जी ड्रेन हो गई है इतना जल्दी जंप नहीं कर पाते जैसे कि पहले करते थे बचपन में सो मजा आएगा युद्ध के लिए तैयार अमृता तैयार जय महेश्वति वाह आज मैं आपको सिखाऊंगा कि गोली कैसे चलाते हैं पहले एक आंख को बंद करें और अपने कंधे पे बंदूक को रखें और भैया से कुछ भैया और देंगे कि नहीं अंदर हमारे शॉर्ट्स खत्म हो गए थे मैंने एक वेस्ट कर दिया था अमृता का इसने तब प्यार से बोला भैया प्लीज एक और दे दो उसने बोला ठीक है मैं बोलता तो मेरे को देता चौथा मुंह बनाता दे देता मैंने कहा बेटा सब दिख रहा है मेरे को तू देता कि नहीं देता कितना देता मुझे सब पता है एक भाई हुआ करके बताइए भैया प्लीज एक और हाँ ऐसा अब अपन क्या होता यार भैया एक दे दो यार भैया वो बोलता चल चल निकल निकल अरे तू जा रही